नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं निशांत भार्गव आप सबका इस ब्रांड न्यू वेनसडे की WWW मीटिंग में स्वागत करता हूं। वेलनेस, वेल्थ एंड वाव लुक के मिशन पे बढ़ते हुए इस वेनसडे की मीटिंग को रखा जाता है, क्योंकि कुछ ही चीजें हैं जिंदगी में, क्योंकि जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। वेलनेस जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। देखे हम कितने ज्यादा अच्छे, उतना अच्छा है। और वेल्थ भी जेब में जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो उसी को लेते हुए आज इस प्लेटफॉर्म पे दो लोग आए हैं जो आज कुछ अलग-अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कैसे वेलनेस और वेल्थ की कमी किसी भी मोदी के एरियन को तो ना हो। आज इस सेशन की खास बात यह है कि दो डॉक्टर हैं जो शायद से अलग-अलग चीजों की, अलग-अलग आपकी प्रॉब्लम्स के इलाज करने को बताएंगे। एक बात करेंगे कि कैसे मोदी केयर के वेलनेस के प्रोडक्ट्स को लेके इस्तेमाल करके, लोगों के साथ शेयर करके उनकी और अपनी वेलनेस जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। और दूसरी जो है वो बात करेंगी कि कैसे वो जो वेल्थ की समस्या है, वो जितनी ज्यादा वेल्थ हो उतनी अच्छी हो, को कैसे मोदी केयर के साथ हम मोदी केयरियंस अचीव कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्वागत करते हैं उस व्यक्ति का जो वो वेल्थ की प्रॉब्लम के बारे में, वेल्थ बढ़ाने के बारे में हमसे बात करने वाली है इस ब्रांड न्यू 2021 साल में। फ्रेंड्स, मोदी केयर के टॉप अर्नर तो ये हैं ही, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की भी सबसे सफलतम कहानी भी इनकी है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक मेंबर एंड 1 CR क्लब डेलीगेट डॉक्टर सुरेखा भार्गव को। आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वाओ फैंटास्टिक। तो फ्रेंड्स तैयार हैं WWW के लिए, वेल्थ एंड वेलनेस पे आज हम बात करने वाले हैं। और मुझे बड़ी खुशी है डॉक्टर रणवीर सिंह जी हमारे साथ होंगे। बहुत सारी बीमारियां, उसमें कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है, या जब कोई बीमारी हो जाए तो उसके बाद भी मोदी केयर के किन प्रोडक्ट्स के थ्रू आपको मदद मिल सकती है, इस बारे में डॉक्टर रणवीर सिंह जी बात करने वाले हैं। और मैं एक ही बीमारी का इलाज बताने वाली हूँ, और वो है समझौते समझौते समझौते। जिंदगी में से समझौते हमेशा के लिए चले जाएं, वो ही है जो मोदी केयर का मिशन है और वो ही मोदी केयर करता है। तो आइए चलिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि मैं आज ये सेशन मैंने स्पेशली क्यों लिया, क्योंकि मैं ना आप सबको बधाई देना चाहती थी, पर्सनली बधाई देना चाहती थी। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर दिख रहा है मीटिंग्स 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 मीटिंग्स, फील्ड वर्क फील्ड वर्क फील्ड वर्क के, बिल्कुल कहते हैं ना तूफान आ गया है, सुनामी आ गई है, हर कोई फील्ड पर उतर आया है। बहुत खूबसूरत एक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, लोग सवेरे से लेकर के शाम तक अपनी किसी ना किसी एक्शन की, फील्ड एक्शन की फोटोग्राफ डाल रहे हैं। और वो जो माहौल बना है, वो जो मोमेंटम बना है, उस चीज की शाबाशी देना तो बनता है। तो सबसे पहले अपना हाथ ऊपर कीजिए और जोरदार अपनी पीठ थपथपाइए, और अपने लिए और पूरे के पूरे सबके सब मोदी केरियंस के लिए जोरदार ताली बजाइए, शाबाश। सबसे पहले आप सबको बधाई हो, वी हैव डन इट, हमने कर लिया। 2020 बड़ा मुश्किल आया था। 2020 में कहा जा रहा था अगर 2020 अंत तक हम जिंदा है ना, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। और हम मोदी केरियंस, हमने पूरी सावधानी बरती, हमने जो भी नॉर्म्स फॉलो करने थे, जो भी प्रिकॉशंस लेने थे वो लिए, और आज हम जिंदा हैं, इस मीटिंग में बैठे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं, अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं। तो भैया जो एक गढ़ था पिछले साल का, वो हमने जीत लिया, वो कोरोना काल हमने सक्सेसफुली सेफली निकाल लिया, उसके लिए भी जोरदार ताली डेफिनेटली बजनी चाहिए। और दूसरी बात, खाली बात जिंदा होने की नहीं है, खाली बात जान बच जाने की नहीं है। इस कोरोना काल ने नो डाउट बहुत सारे लोगों की जान ली, हम उनके लिए डेफिनेटली उनके परिवार वालों को सांत्वना ही दे सकते हैं, उसके लिए हमें खेद है। पर उससे भी ज्यादा दुख जो लोगों ने उठाया है ना, वो इस कोरोना काल में डिप्रेशन में जो लोग गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में जो लोग गए हैं, लोगों का जिंदगी पर से विश्वास उठ गया है, बहुत नेगेटिव हो गए हैं, और एक
बहुत बड़ा वो नंबर है, जितने लोगों को हमने इस दुनिया में खोया है ना, उससे भी बड़ा नंबर उन लोगों का है जिन्हें हताशा ने घेर रखा है, जिन्हें डिप्रेशन ने घेर रखा है। और हम मोदी केरियंस, हमने न केवल हताशा को, वो डिप्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को अपने आप से दूर रखा, बल्कि हम कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करते हुए, सकारात्मक सोच अपनाते हुए, पॉसिबिलिटी थिंकिंग करते हुए, हमने तो घर बैठ करके मोदी केयर के साथ झंडे गाड़ दिए। उस बात के लिए भी मैं चाहूंगी आप लोग जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। दोस्तों, बड़ी कठिन घड़ी थी जो आपने बहुत सफलता से निकाल दी, बट अब क्या क्या सीखने को मिला? देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। हम ना, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। पिछले साल मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हुई थी, मैं उनकी थोड़ी हेल्प करने के लिए यूएस गई थी। 3.5-4 महीने मैं उनके पास रही थी, उनके घर में रही। मेरे जीजाजी वर्क फ्रॉम होम ही करते थे, वो एक उन्होंने ऑफिस रूम बना रखा था, उसी से रोज मीटिंग करा करते थे। वो 3.5 महीने मैं घर में देख रही थी कि कोई ऑनलाइन मीटिंग होती है, पर मैंने कभी पूछने की भी कोशिश नहीं करी कि जीजाजी आप कैसे करते हो, क्या तरीका है, मुझे बताओ। मैं इंडिया से दूर हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, मैं अपने लोगों को टच बेस करना चाहती हूँ। मैंने 3.5-4 महीने, नो डाउट, मैं बता नहीं सकती कितना फील्ड वर्क मिस किया, कितना एक्शन मिस किया। मैं तो वर्कहोलिक हूँ, और मोदी केयर का तो ऐसा नशा है, उसके बिना मेरा खाना नहीं पचता। मुझे सचमुच दिक्कत हुई थी, बट फिर भी मैंने कभी जीजाजी से नहीं पूछा कि जीजाजी आप कैसे करते हो, मैं भी कर लेती हूँ, मुझे भी नए तरीके सिखाओ। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर हमने कभी पढ़े ही नहीं, और हमने इसकी कभी जरूरत ही नहीं समझी थी। और अगर मैं कर भी लेती, मैं जीजाजी से पूछ भी लेती, और मैं मोदी केयरियंस को कहती कि भैया चलो मैं जूम पर आ रही हूँ, आओ आप लोग जूम पर आओ, तो कितने लोग आ जाते, कितने लोग जूम डाउनलोड कर लेते, कितना सक्सेसफुल ये होता? नहीं होता, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। बट अभी ये कोरोना काल में सब कुछ सिर पे पड़ गया, और बस वो हम एकदम से, पहले तो सदमा लगा हमको कि ये क्या हो गया, और फिर जैसे ही ऑनलाइन समझ में आया, दोस्तों सीखने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि हमारी एडेप्टेबिलिटी की कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए। हम लोगों ने सारे के सारे मोदी केरियर्स ने ऐसे अपनाया ऑनलाइन को, जैसे कि सदियों से यही करते आ रहे हैं हम। तो हमने जूम डाउनलोड किया, हमने जूम सीखा, हमने फेसबुक सीखा, हमने यूट्यूब सीखा। मुझे नहीं आता था वो बटन दबाना, कि कैसे बटन दबा के मैं यूट्यूब अपना देख सकती हूँ, खुद का मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था ये। पर जैसे ही ये सब पढ़ा, तो क्या जादू से हम सब जने बदले। एडेप्टेबिलिटी हमें गजब की है, इस एडेप्टेबिलिटी के लिए फिर से हाथ उठाइए और अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। फ्रेंड्स, ये कोई छोटी बात नहीं है जो हमने पिछले कोरोना काल पीरियड में किया है ना। आप सबकी गर्दन ना 2 इंच लंबी हो जानी चाहिए, आप सबकी छाती चौड़ी हो जानी चाहिए कि आ जाओ मैदान में, हमें जो भी करना पड़े वो हम कर सकते हैं। ये वाली फीलिंग आप सबको आनी बहुत जरूरी है। हमने तुरंत चेंज हुए, आसान नहीं है। 1-to-1 की आदत थी, फेस टू फेस की आदत थी, हमने न केवल 1-to-1 फोन पे किया, जूम पर किया, व्हाट्सएप वीडियो पे किया, हमने 2-on-1 किया, हमने होम मीटिंग्स करी, हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स करी। परिवर्तन की तो हमने झड़ी लगा दी। बच्चा बच्चा मोदी केयर का परिवर्तन सीख गया है, बच्चा बच्चा मोदी केयर का प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करता है। वो सब जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता, वो सब का सब हमने इस पीरियड में सीख लिया है। यानी कि अब दूसरा लेसन जो हमारे लिए समझने वाला है, वो ये कि हम सब ने पर्सनल ग्रोथ के मामले में 5 साल आगे छलांग लगा ली है। हम सब 5 साल आगे चले गए। बिलीव मी, जो बिलीव, जितना मतलब मैंने जितना पिछले 25 साल में नहीं सिखाया था, वो मैं 10 महीने में सिखा पाई। मैंने जितना खुद ने इन 25 सालों में नहीं सीखा था, वो मैं इन 10 महीनों 11 महीनों में सीख पाई। और आप ये देखिए, जो डुप्लीकेशन हुआ है, जो हैंड होल्डिंग हुई है, जो नए नए राइजिंग स्टार्स निकल के आए हैं, जो आत्मविश्वास लोगों का बढ़ा है, जो मोदी केयर में हमारा विश्वास बढ़ा है, ये हमारी पिछले 11 महीने की दोस्तों सबसे बड़ी जीत है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब कोरोना आया था, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट भी बंद कर दी थी। ये कह दिया था कि भैया देखेंगे जिस समय, है ना, वापस से शुरू होगा, जिस समय वापस से आएगा, है ना, ये कोरोना काल चला जाएगा, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट ऑन करेंगे, ये कहा गया था। फ्रेंड्स, मोदी केयर ने मार्च के 10 दिन तो छोड़ दो, वो 10 दिन तो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुए थे, अप्रैल के भी 11-12 दिन छोड़ दो, वो मोदी केयर को जितना लाइसेंसेस वगैरह लेने में टाइम लगा, बस उतना टाइम लगा। और वो दिन और आज का दिन मोदी केयर खुद के ही आसमान को लगातार धक्का लगाते आया है। मैनेजमेंट ने इन 11 महीनों में जो किया है ना, वो रोए खड़े कर देने के लिए, वो अपनी आत्मा तक मोदी केयर को पहुंचा देने के लिए काफी है। फ्रेंड्स, इट्स रियली अमेजिंग। वो जो हमें प्रोडक्ट आते थे ना लॉकडाउन में भी घर पे, वो हमारे मोदी केयर के लोग डंडे खाया करते थे।
डंडे जिस टीम ने हमारी खाई है, जिस टीम ने जो वो उस समय करके दिखाया है, वो जो हमारी फैक्ट्रीज में जब काम हो रहा था, जब हमारे वेयर हाउस में काम हो रहा था, 50% कैपेसिटी पे हम रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे थे, या हमने सेल्स ऑनलाइन पे मोमेंटम क्रिएट कर दिया था, सेल रिकॉर्ड ब्रेक हो रही थी, और दूसरी तरफ मोदी केयर 50% स्टाफ पर काम कर रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मेहनत उन लोगों ने करी होगी। हम लोगों ने शायद दो दो तीन तीन चार चार मीटिंग भली रोज की करी होंगी, मोदी केयर के स्टाफ ने दिन की छह छह सात सात आठ आठ मीटिंग करी है। समीर मोदी जी ने कौन से खजाने इस समय में नहीं खोल दिए? हम जिस समय उन तीन महीनों में हम लॉकडाउन पीरियड में घर पर बैठे थे ना, अपने आप को अपने परिवार को सेफ रखते हुए, उस समय भी अपने क्योंकि स्टाफ को बुला रहे थे, समीर मोदी जी मास्क पहन करके वो ट्रकों के आगे पीछे खड़े होते थे अपने लोगों को सहारा देने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चलो भैया बढ़ो। जो मोदी केयर ने इस पीरियड में ऑफर्स निकाले हैं, जो पुल एंड पुश लगाया है, जो जिस तरीके से ट्रेवल फंड रिलीज किया है, जिस तरीके से वो पैसा जब लुटाना था लुटाया है, जो मार्केटिंग प्लान, आप सोचो ऑनलाइन जिस समय फील्ड वर्क नहीं हो रहा था उस समय इतना बड़ा डिसीजन लेना कि नया मार्केटिंग प्लान लॉन्च करना, जो मोदी केयर ने इस पीरियड में कर दिया है ना, उसके बाद अगर हमारी छाती चौड़ी नहीं हुई ना तो वो कभी चौड़ी हो भी नहीं सकती। वी शुड, हम सबको एक गहरी सांस लेकर के ना इस बढ़ते हुए विश्वास को आत्मसात करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वी आर विद द बेस्ट फ्रेंड्स। ये जो पावर है ना, ये कोई हमें सिक्स पैक ऐप नहीं बनानी, हमें कोई डोले शोले नहीं बनाने, हमारे को जो इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए, जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए ना, वो इन्हीं सब बातों से आती है। तो जोरदार तालियां हम बजाएंगे एक बार मोदी साहब, समीर मोदी जी, राहुल शंकर जी, पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम के लिए। और अब इस बढ़ते हुए विश्वास में जो हमने 5 साल आगे छलांग ले ली है, अब क्या करना है दोस्तों, इस बात को समझिए। हमने चेक्स में भी छलांग ली है, हम सबके चेक्स जंप हुए हैं, पर 1 साल का जंप आया है पर्सनल ग्रोथ में, हमारे विजन में, हमारे विश्वास में, हमारे माइंडसेट में, हमारे एक्शन सेट में, हमारे स्किल सेट में 5 साल का जंप आया है, बट हमारे चेक्स में 1 साल का जंप आया है। अभी भी 4 साल का गैप बाकी है, और अगर अभी भी आप लॉकडाउन से पहले वाली स्पीड से सोच रहे हैं तो अपने आप को ट्यून कीजिए, अपने आप को सेट कीजिए, अब वो जमाना नहीं रहा। अब हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, अब इंफॉर्मेशन ज्यादा आसान हो गई है, ट्रेनिंग ज्यादा आसान हो गई है, अब बहुत कुछ इतना आसान हो गया, अब आप एक साथ सारे हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकते हो, और जल्दी एक साथ आपको मौका मिलने वाला है, आप दुनिया के भी दूसरे दूसरे देश, जैसे जैसे मोदी केयर खोलता चला जाएगा हम वैसे वैसे एक जगह पे रह करके भी सब जगह पे हो सकते हैं। तो इस बढ़े हुए पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ का जो 4 साल का गैप है ना, वो स्लो स्पीड से सोच करके गैप खत्म करने का बारी नहीं आई है, अब बारी है हम इस 4 साल के गैप को 1 साल में खत्म करें, 1 साल। और इसीलिए मैं कहती हूं ये साल, पिछले साल जो कुछ हमने पाया उसको अगर हम ढंग से यूटिलाइज करें, सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करें, थोड़ी ज्यादा मेहनत करें, तो दोस्तों अगले 4 साल का जम जो ये 4 साल का जो गैप है ये हम 1 साल में फिल कर सकते हैं, गैप, इस गैप को खत्म कर सकते हैं। तो पुरानी वाली सोच को पुरानी जगह पे ही कहीं चाबी फेंक दीजिए, वो सारे ताले खराब हो गए हैं, अब जो चक्के चल रहे हैं, अब जो गाड़ी दौड़ रही है वो पुराने वाले पहियों पर नहीं दौड़ रही है। तो आपको भी ये सोचने की जरूरत नहीं है, अरे पिछले 2 साल में नहीं आया मुझे इतने का चेकअप कैसे आएगा, पिछले 5 साल में नहीं आया मुझे चेकअप अब कैसे आएगा, जो पिछला था वो सब पास्ट टेंस है, वो हिस्ट्री है। अब हम कभी भी उस सदी में, उस ओरा में, उस इरा में नहीं जाने वाले, वो दौर बीत चुका है। अब जो ये दौर आया है, ये दौर तेज सोच रखने वालों का है, स्पीड से चाहने वालों का है, बड़ा चाहने वालों का है, सही सोचने वालों का है, और बिल्कुल ट्यूनिंग बैठाते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस को बिल्ड करने वालों का ये समय आया है। तो दोस्तों आप अपने आप से वादा कीजिए, प्लेज टाइम, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अपने बिजनेस में जो 4 साल का मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ का गैप है, उस गैप को इस 1 साल में खत्म करूंगा। ये प्लेज, ये वादा, ये कसम आपको किसी और से नहीं खानी है, ये कसम आपको अपने आप से खानी है। और जब ये कसम खा ली तो इसी कसम को पूरा करने के लिए ही तो लाया गया है मिशन 1221। जब मिशन 1221 हम लाए
तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, 2 लाख, 2 लाख, आप एक नए व्यक्ति से भी 2 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है, क्या ये संभव है? हमने कहा हाँ संभव है, अगर हम अपने बढ़ी हुई स्किल्स को, बेहतर हुए हुए माइंडसेट को, अगर हम गणित में नहीं बदल पाए, अगर हम अपने चेक्स में नहीं बदल पाए, फिर से वो ही हमारे बिलीफ वापस पीछे जाएंगे। अगर हम तेजी से आगे नहीं बढ़े तो हम तेजी से पीछे जाएंगे। तो बेहतर है पीछे जाने की बजाय, जाना तो पड़ेगा ही, चलना तो पड़ेगा ही, पीछे जाने की बजाय अगर तेजी से आगे ही बढ़ते चले गए, वो मोमेंटम अगर हमने क्रिएट कर दिया, तो दोस्तों जिंदगी में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ेगा। इतनी बड़ी सफलता आपका वेट कर रही है, इसीलिए मिशन 1221 चलाया गया है। और मुझे बड़ी खुशी है सारे हिंदुस्तान में हर एक लीडर दिल लगा करके मिशन 10,000, मिशन 1221, गो गेटर जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और एक ही मिशन है सबका, आजादी फेस्टिवल में आना है, 2 लाख रुपया महीना कमा के आना है, अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर के आने हैं, सारे साल 10,000 रुपए के चेक करने पर फोकस रखना है, पूरे ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया कमाने वाले लोग बनाने हैं, और बस ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाना है। मुझे बहुत खुशी है जब पूरा का पूरी टीम एक भाषा में बात करती है, तो वो जो ग्रुप प्रेयर जैसी, फिर हमारी जो बातें होती है ना, वो सामूहिक दुआओं जैसी हो जाती है, वो ग्रुप प्रेयर जैसी हो जाती है। आप सबको अंदाजा भी नहीं हो सकता अभी कि ये ग्रुप प्रेयर्स कितने बड़े जादू करते हैं। मैंने अपने पिछले 25 साल की जिंदगी में ये जादू बहुत बार होते देखा है, और मैं सचमुच तहे दिल से चाहती हूँ कि ये जादू इस साल आप अपनी जिंदगी में होता हुआ देखें। बिलीव मी, एक बार ये जादू आपकी जिंदगी में हो गया ना, आप 1,000 times ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और उसके बाद अगर आप दिल्ली बैठ करके सोचोगे ना कि बैंगलोर में लाइट नहीं है, तो बिलीव मी बैंगलोर में लाइट नहीं होगी। इतनी कैपेसिटी हम सबके पास है जो हम इस्तेमाल नहीं करते। पर मैं आप सबसे यही चाहती हूँ, आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉसिबिलिटी थिंकिंग के साथ, सारे के सारे नेगेटिव्स को पीछे छोड़ करके, सारी पर्सनल लिमिटेशंस को पीछे छोड़ के, टीम मिशन की ताकत को अपनी ताकत समझिए और आगे बढ़िए। दूसरी बात जो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, अब वक्त आया है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन मीन्स आप सब लोग फील्ड पर तेजी से लग गए हैं, तो फील्ड पर क्या क्या करना है, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, उसमें भीड़ होती है ना, लोग आते हैं। सबसे ज्यादा जिसको कहो, वो जो नंबर होता है वो न्यू जॉइनीज का होता है। इस पूरे कोरोना काल में हमने ना करते 17-18 लाख लोग, तो 20 लाख तो लोग ज्वाइन करा दिए हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल से पहले का वक्त नहीं देखा है, इनको कोई फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है। आप ये सोच के देखो, जब मैं यूएस गई थी तो मुझे ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे लिए कैसा, ये एलियन था ना, दूसरे ग्रह का जीव था ना ये ऑनलाइन बिजनेस। ऐसे ही हमारे जो भी बेस हमारा है, जो न्यू कंसल्टेंट हमारे हैं, इनको सारा का सारा एक्सपीरियंस ऑनलाइन का है, इनको ऑफलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारा पहला मिशन ये होना चाहिए कि जितने भी हमने न्यू कंसल्टेंट बनाए हैं, जिन लोगों ने ऑनलाइन प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया, यानी कि जो पिछले 10-11 महीने में लोग बने पर राइजिंग स्टार्स की हमारी डेफिनेशन पे फिट बैठते हैं, वो सीरियस है, वो कमिटेड है, वो कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने एक्शन करना शुरू किया, अब हमें जल्दी से जल्दी उन्हें फील्ड का एक्सपोजर देना है। बताती हूँ आपको, अगर ये काम हमने जल्दी नहीं किया, या ये काम हमने कॉन्शियसली नहीं किया, ये काम हमने हैंड होल्डिंग के साथ नहीं किया, और हमारे नए बने हुए लोग अगर अकेले अकेले फील्ड पर काम करेंगे, अपने आप को अकेला सा महसूस करेंगे, और फिर जो फील्ड वर्क और ऑनलाइन का डिफरेंस है उसको अगर उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाए। देखिए, ऑनलाइन किसी को इनवाइट करना था तो एक लिंक फॉरवर्ड कर देना था, 2 मैसेज भेज देने थे, ज्यादा से ज्यादा एक कॉल कर देना था, कोई आया कोई नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार में 10-15 लोगों को एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दो और भी काम आसान हो जाता है। जो कोई नहीं भी आया है, आप भी किसी मीटिंग में अपने घर बैठे बैठे आपने मोबाइल ओपन करके जूम मीटिंग में गए हो और उस मीटिंग में कोई नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अगली मीटिंग में आ जाएगा। तो जब ऑनलाइन मीटिंग में आपको रिजेक्शन मिलता है या कोई टालम टोली मिलती है, आप इतना दिल पे नहीं लगाते, आपको इतना हतोत्साहित नहीं होते, इतनी निराशा नहीं होती है। पर यही काम अब जब टीम फील्ड पर करने लगेगी, अब वो जाएंगे लोगों से पर्सनली फेस टू फेस रिजेक्शन लेना वैसे भी मुश्किल होता है, जब वो लोग जाएंगे, जब वो रिजेक्शन लेंगे, उस समय उनको डिप्रेशन होगा। 2-3 रिजेक्शन मिलकर के, जैसे ही 2-3 रिजेक्शन मिलेंगे, लोग अपने शेल में जाने लगेंगे। तो ये टाइम है, हमने जो पिछले 10-11 महीने में लाखों लोगों को ज्वाइन कराया है, उनको अपने साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग पर लेकर के निकलो। आप कोई ना कोई अपनी होम मीटिंग बुक करो, पुराने कंसल्टेंट्स के साथ करो, नए कंसल्टेंट्स के साथ करो, पुराने कंसल्टेंट्स के साथ होम मीटिंग करो, उसमें अपने नए कंसल्टेंट्स को इनवाइट करो। नहीं कर रहे वो अपनी होम मीटिंग, कोई बात नहीं, पर किसी ना किसी होम मीटिंग, राइट होम मीटिंग का अगर उनको एक्सपोजर मिला, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ दिस इज वर्थ इट। वो
उनको एक्सपोजर मिलेगा। तो बहुत जरूरी है आप ऑन जॉब ट्रेनिंग अपने सारे नए कंसल्टेंट्स की करो। दूसरा काम आपको करना है टीम 25 मीटिंग्स करो। ये वो लोग हैं जिन्होंने जूम जूम पर प्रोडक्ट डेमो करने की बात करनी शुरू कर दी है, प्रोडक्ट्स की बात करने लगे, प्रेजेंटेशन की बात करने लगे, पर जैसे इनको 5-6 लोगों के बीच में खड़ा होंगे ना, इनके पैर कांपेंगे, इनकी आत्मा कांपेगी, इनकी रूह कांपेगी। तो आप टीम 25 मीटिंग करो अपने घर में, आपके जो 5-6 खास लोग हैं, आपके जो डायरेक्ट डाउनलाइन है वो, उनके 2-2, 3-3 लोग, या अभी आप नए हो आपकी टीम में खाली 3-4 लोग हैं, उनकी अपने घर पे मीटिंग करो। एक कोई पुलाव बना लो, या एक कोई छोले कुलचे रख लो, या कोई एक पाव भाजी मंगा लो, या खाली सैंडविच बना लो, या सब अपना अपना टिफिन ले आए। खाना पीना मकसद नहीं है, पर उन लोगों को बुला के 5-6 लोगों के बीच खड़ा करके उनको कुछ ना कुछ बुलवाओ। पहली बार बोलेंगे, दूसरी बार बोलेंगे हाथ पैर कांपेंगे, तीसरी बार बोलेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, तालियां बजवाओ, एनकरेज करो। जितनी जल्दी से जल्दी आप पिछले 10-11 महीने के जितनी भी न्यू जॉइनीज हैं उनको ऑफलाइन का एक्सपीरियंस दे दोगे, आपकी टीम एकदम से आप देखेंगे कि बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह सफलता का जो है वो लावा आपके ग्रुप में बहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ऑनलाइन स्किल सेट वालों को ऑफलाइन स्किल सेट में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके लिए आप वर्कशॉप कीजिए, आप TTTs कीजिए, आप फुल डे वर्कशॉप कीजिए, जो भी करना पड़े। और आपकी टीम, मुझे पता है सारे हिंदुस्तान में टीम से कर ही रही है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑनलाइन वालों को अब इवेंट्स के लिए थोड़ा पुश कीजिए। एक जो नया चेंज अब बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए करना। अभी तक चलो भैया लिंक फॉरवर्ड कर दिया, काम कोई आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। अब वक्त आया है आप इवेंट्स के लिए लोगों को थोड़ा पुश करने लगी है। और एक बात याद रखिएगा, फ्री इवेंट्स को नहीं एंटरटेन कीजिएगा। फ्री इवेंट्स हमने अपने सालों की एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको, बहुत करके देखी है, पर उससे कभी नेटवर्क बिल्ड नहीं हुए। भले 50 रुपए का, 100 रुपए का टिकट हो, पर जब टिकट लग जाता है तो डेफिनेटली नेटवर्क में आसान काम हो जाता है, बिल्डअप करना आसान हो जाता है। तो पेड इवेंट्स को एंटरटेन कीजिए, 5 टिकट एडवांस में लीजिए, वो देकर के आइए, वो सेल कीजिए, फिर और 5 टिकट लीजिए। पेड इवेंट्स अब जो है सीरियसली बिल्ड करने लगी है। इस पर हम आपको बहुत सारे इस महीने में हर LDP में सेशन देने वाले हैं। आप डेफिनेटली पेड इवेंट्स पर काम कीजिए। पूरा महीना हमने इवेंट्स के लिए रखा है LDP में, और यही आप लोगों के लिए जरूरी है। कोई भी इवेंट किसी भी हाल में, LDP जो हम फ्राइडे को करते हैं उनको छोड़िएगा नहीं। इस फ्राइडे को भी मेजर साहब आ रहे हैं, और मेजर साहब होम मीटिंग के बादशाह हैं, वो क्लोजिंग के बादशाह हैं। वो होम मीटिंग में जाते हैं पैसा लिए बिना, पता नहीं उठते ही नहीं है। और ये काम खाली वो नहीं करते, उनकी सारी टीम को ये काम आता है। तो वही काम आपको सिखाएंगे, कैसे होम मीटिंग करनी सक्सेसफुली, कैसे क्लोजिंग करनी, कैसे पैसा पकड़ना, कैसा पैसा लेकर के उठना, कैसे टीम में माहौल बनाना कि हर कोई होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग करे। ये ही सिखाने के लिए मेजर साहब इस फ्राइडे को आने वाले हैं, उसको देखिए। और उसके बाद भी हर फ्राइडे हम इवेंट से रिलेटेड कोई ना कोई LDP देंगे। इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, इसको सीरियसली लीजिएगा, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, फिर बात यह आती है कि आप मोदी गिर के ऑफिसेस खुल गए हैं, मोदी गिर के ऑफिसेस में बुकिंग होने लगी है कि भैया कौन सा लीडर कौन से टाइम पे। देखिए मैं बताती हूँ, अगर आप अपनी टीम में सक्सेस चाहते हैं ना, तो ये झगड़ा होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी टीम में झगड़ा होना चाहिए, मोदी गिर ऑफिस में 11 बजे का टाइम मुझे चाहिए, 12 बजे का स्लॉट मेरा बुक कराओ, 3 बजे का स्लॉट मेरा बुक कराओ, मैडम मेरी तो टीम को स्लॉट नहीं मिले। इस समय आप सबको लड़ झगड़ना भी पड़े ना, तो भी अपने अपनी टीम के लीडर्स के लिए ना स्लॉट बुक करवाओ। जिस जिस बंदे का स्लॉट बुक हो गया ना, वो देखिए वहां से ग्रुप डेवलप हो जाएगा। तो मोदी केयर ऑफिस बिल्कुल खाली नहीं रहे। आपको ये मान के चलना है कि वो जो AC चल रहा है, वो जो किराया दिया जा रहा है, वो जो स्टाफ बैठा है, उसकी सबकी सैलरी अगर आप देते तो फिर उस ऑफिस का आप कैसे यूज करते। इस एटीट्यूड के साथ आपको बोधी केयर ऑफिस में मीटिंग्स को बिल्ड करना है। फिर हमारा SED शेड्यूल मीटिंग शुरू हो गई है, तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि इसको समझें। आप जाकर के मोदी केयर की वेबसाइट पर चेक करें कि आपके शहर में कब कब मोदी केयर की SED मीटिंग हो रही है, उसको यूज करें, अपने नेटवर्क में बिल्ड करें, खुद जाएं, अपने डाउनलाइंस को लेकर के जाएं, वहां पे कोई ना कोई प्रेजेंटेशन करने के लिए अपने आप को डेलीगेट करें कि मैं एक पार्ट लेना चाहता हूं, मैं 2 डेमो करना चाहता हूं, मेरी टीम से कोई 2 डेमो करना चाहते हैं। तो आपके शहर में अगर मीटिंग हो रही है, बहुत बढ़िया, नहीं हो रही, अपने अपलाइन से बात कीजिए, अपने शहर में मोदी केयर की मीटिंग करवाइए। वो एक बहुत बड़ा, बहुत फास्टर वे आपको मिलेगा। रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स हम कर ही रहे हैं, आजादी मार्च हम कर ही रहे हैं, आपकी टीम पूरा का पूरा माहौल बनाई रही है। अब हम जो परिवर्तन इवेंट्स करते हैं, जो शुरुआत इवेंट करते हैं, वो भी सब ज्यादा से ज्यादा शहरों में शुरू हो गई है, उनको अच्छे से बिल्ड कीजिए। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ आपसे, ऑनलाइन और ऑफलाइन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके चलिएगा।
पूरी तरीके से ऑनलाइन को खत्म नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो वो जो आपने एक जंप ली है ना, वो जंप आपकी बेकार हो जाएगी। हमें बहुत नसीब से, मतलब नसीब कहो या जो भी कहो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है कि हमने ये सीख लिया है, अब इसको अनडू नहीं कर देना। ये जो लर्निंग है इसको अनडू नहीं कर देना किसी भी हाल में। ऐसा नहीं करना कि ऑनलाइन बिल्कुल खत्म कर दिया जी, हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। वाइजली अपने LOS के साथ, अपने अपलाइंस के साथ बैठ करके एक शेड्यूल बनाइए। एक बात और बताती हूँ, हम क्या सोचते हैं कभी कभी, अच्छा हमारा अपलाइन कर रहा है ना ऑनलाइन मीटिंग, ठीक है चलो जब हमें जरूरत होगी हम उसको काम में ले लेंगे, नहीं तो भैया हम तो फील्ड में बिजी हैं। अपलाइन बहुत समझदार जीव होता है, वो देखेगा अच्छा 1000 लोग आते थे, 800 लोग आ रहे हैं, 600 लोग आ रहे हैं, 400 लोग आ रहे हैं, 300 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, अच्छा चलो मैं भी क्यों टाइम वेस्ट करूं, मारो गोली, मैं भी ऑनलाइन नहीं करता। क्या होगा फिर, जब कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 14 में से 4 नेटवर्क ऑनलाइन बन सकते थे, वो जो आप दिल्ली रहते हो, पूना में आपने किसी को डाउनलाइन बनाया, वो डेवलप हो सकता था, आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा, आप कितना नुकसान कर दोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो अपने जो भी आपके अपलाइन है, जो ऑनलाइन मीटिंग करते हो, उनको बैकअप दीजिए, उनको बोलो अच्छा एक दिन मैं देख लेता हूँ, 6 दिन आप देखो, एक दिन मैं देख लेता हूँ, एक लीडर का एक दिन मैं देख लेता हूँ, एक लीडर का एक दिन मैं देख लेता हूँ। अपने अपलाइन के साथ मिलकर के जो ऑनलाइन मीटिंग्स का जाल हमने बिछाया है उस पर आंच नहीं आने देना। उसमें टाइमिंग आगे पीछे कर लो, दोपहर में करते थे रात को कर लो, रात को करते थे सुबह 5 बजे कर लो, 7 बजे कर लो। आने वालों को, करने वालों को कोई बहाना नहीं चाहिए, उनको सफलता चाहिए, इतना बहाना काफी है। ना करने वाले तो वैसे भी हम कभी उनके बारे में हम सोचते भी नहीं है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है ऑनलाइन ऑफलाइन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के चलिए। मैं आपको कुछ गाइडेंस इस मामले में देना चाहूंगी। हम जो अभी फील्ड पर मीटिंग कर रहे हैं उसमें आप परिवर्तन करिए, उसमें आप रिकॉग्निशन कीजिए। लोग तरसे बैठे हैं, वो फूलों की खुशबू, वो तालियों की गड़गड़ाहट सुननी है, तो इस समय आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो करना है रिकॉग्निशन, 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 रिकॉग्निशन। तालियां बजवाओ, म्यूजिक चलवाओ और लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करने का, कुछ ना कुछ छोटा 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 काम करने का मौका दो। ऐसा नहीं कि एक मीटिंग में खाली 4 लोगों ने प्रेजेंटेशन किया, एक मीटिंग में 12 लोग प्रेजेंटेशन करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करो, लोगों को ना बाहर आएंगे, वो फूलों की खुशबू, वो तालियों की गड़गड़ाहट उनको जो है वो डेफिनेटली प्यार करा देगी ऑफलाइन मीटिंग से। दूसरा जो आपको करना है वो वर्कशॉप कीजिए, TTT कीजिए, Team 25 की मीटिंग कीजिए। स्किल ट्रेनिंग के लिए आप फील्ड वर्क काम में लीजिए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज ट्रेनिंग के लिए आप ऑनलाइन सिस्टम पर डिपेंड कीजिए। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना करके चलिए, कहीं को चूक नहीं जाए। अपनी अपलाइन से बात कीजिए कि जी हम आपकी फ्राइडे डेफिनेटली हम बिल्ड करेंगे, आपका वेडनेसडे हम डेफिनेटली बिल्ड करेंगे, सक्सेस संडे जो है वो संडे को होता है वो हम डेफिनेटली बिल्ड करेंगे। आप सक्सेस संडे सुबह कीजिए, हम सक्सेस संडे वेडनेसडे को सुबह करेंगे। लेडीज के लिए ये मीटिंग करेंगे, जेंट्स के लिए ये मीटिंग करेंगे। सारा का सारा बिजनेस घेर करके ना उसको आगे लेकर के चलिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। नॉलेज शेयरिंग के लिए डेफिनेटली ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको डेफिनेटली बनाए रखिएगा। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा क्रूशियल पीरियड चल रहा है हमारी लाइफ का, जो हमने लीप ली है उस लीप को बनाए नहीं रखना है, उस लीप को मैनीफोल्ड लेकर के जाना है। अब आपको एक इतनी सॉलिड ग्राउंड मिल गया है, जब जब धरती मजबूत होती है ना उस पर छलांग बनती है, तो धरती मजबूत है, आप लोगों की वो मसल्स हमने स्ट्रॉन्ग कर दी हैं, सिर्फ थोड़ा सा हौसला बुलंद रखना है और लंबी छलांग लेनी है। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब में कब दुनिया कहेगी अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, ये कैसे हो गया, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। और आप कहोगे हाँ सोच तो हम भी नहीं सकते थे, ये तो बस एक छलांग है जो हमने ले ली है। दोस्तों सक्सेस इज ऑल अबाउट लीप, सक्सेस इज ऑल अबाउट, आप जिंदगी में जब जब सही मौके मिलते हैं तब क्या करते हो, तब कैसी छलांग लेते हो, और ये साल आपके लिए लीप का मौका आया है, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। हम आपके लिए सब कुछ करते रहेंगे, आप अपने लिए खुद भी सब कुछ करने को तैयार हो जाइए, और जैसा साथ आप हमारा दे रहे हैं ऐसा ही साथ हमें देते रहिए, ऐसा ही साथ अपने अपलाइन को देते रहिए। ये बहुत टीम वर्क का वक्त है। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जिस बात के लिए आप सबको, अपने ग्रहों को, अपने स्टार्स को थैंक्स बोलना चाहिए, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की किसी कंपनी में ये नहीं हो रहा है जो अटूट बंधन माहौल समीर मोदी जी ने बनाया है। कहीं इतना प्यार नहीं है, कहीं इतना एका नहीं है, कहीं इतनी यूनिटी नहीं है। इस पूरे 11 महीने के पीरियड में जिस किसी लीडर को बुलाया, हर एक लीडर ने नो बेसिस पे काम किया। किसी ने नहीं देखा मेरा डाउनलाइन है, मेरा अपलाइन है, जिसको जहां बुलाया गया वो सिर माथे पर, और न केवल बंदा गया, जाकर के हर किसी ने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है। ये एका ना दिखता नहीं है,
जगहों जगहों पर, ये सिर्फ मोदी केयर में दिखता है और आप मोदी केयर के हिस्सेदार हैं, तो बिल्कुल और गर्व आपको महसूस होना चाहिए। और इसी प्यार मोहब्बत के साथ टीम वर्क करते हुए आप अपने फील्ड वर्क और ऑनलाइन को कॉम्बिनेशन सॉलिड बनाते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। हम टाइम टू टाइम जो जिस वक्त जो जरूरी है हम वो आपको गाइडेंस देते रहेंगे। आप लीप प्लेटफॉर्म, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, लीप प्लेटफॉर्म हम बनाए रखेंगे तब तक जब तक कि आप इसको यूज करते नजर आएंगे। देखिए YouTube पे जिस समय मुझे लगा कि वो ओवर हो रहा है, मैंने YouTube के सेशंस मेरे ब्रेक दिया है, लीव का भी बिल्कुल मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। आप लोग इसे यूज करते रहिए, हमें पता चलेगा हाँ जितनी भी टॉप लीडरशिप इसको मिलकर के जो कंडक्ट कर रही है उनके टाइम की वर्थ मिल रही है। हम जिंदगी भर इसको करने के लिए तैयार हैं, पर आप समझदारी से आगे बढ़िए। इतना ही आज मैं कहना चाहती हूँ। एक ही बीमारी का मैंने हल बताया है, पर बहुत सारी बीमारियों का हमारे डॉक्टर रणवीर सिंह जी हल बताने वाले हैं। वो जब भी आते हैं, लोगों को मोदी केयर के वेलनेस प्रोडक्ट से और प्यार हो जाता है, वो जब भी आते हैं नेटवर्क्स में लॉयल्टीज बढ़ जाती है। देखिए जब हम वेलनेस पर फोकस करते हैं ना, उसका फायदा ये होता है कि लॉयल्टी हमारी बढ़ जाती है। जो व्यक्ति एक बार मोदी केयर के वेलनेस प्रोडक्ट काम में लेने लगता है, फिर उसको उसका अंतर पता चलने लगता है। नोनी पीने लगा तो जिंदगी भर पिएगा, टर्मरिक लेने लगा तो जिंदगी भर लेगा, डिटॉक्स लेने लगा तो वो हमारा दीवाना होना ही होना उसको है। तो लॉयल्टी अगर नेटवर्क में बढ़ानी हो, मैं आज शरद जी से बात कर रही थी, वर्ल्ड वाइड 65% जो ग्रोथ होती है ना वो वेलनेस प्रोडक्ट के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग में होती है। और अभी मोदी केयर में हम 65 तक नहीं पहुंचे हैं, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग चल रही है। आप भी वेलनेस के अगर एक्सपर्ट बनेंगे, आप इसमें और अपना हाथ साफ करेंगे, इसमें इमोशनली इन्वॉल्व होंगे, अपने ब्रेन को मैसेज देने लगेंगे कि हाँ मैं वेलनेस एक्सपर्ट हूँ, मैं वेलनेस पे बात कर सकता हूँ, मैं वेलनेस मेरे लिए प्रायोरिटी है, मैं अपनी भी सेहत का ध्यान रखता हूँ और मैं दूसरों को भी सही सलाह दे सकता हूँ, ये वाली फीलिंग आने लगी ना तो आपकी पौ बारह होने वाली है, पांचों घी में होंगी, सिर कढ़ाई में होगी। और इसीलिए हमने भी अपनी ट्रेनिंग्स पर वेलनेस पर फोकस किया हुआ है। 60% बीवी भी होता है और डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को इमोशनल, क्योंकि लोग अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होते हैं, तो डेफिनेटली आइए चलते हैं जोरदार तालियों के साथ, फिर से बुलाते हैं हमारे अपने फेवरेट डॉक्टर रणवीर सिंह जी को। जोरदार तालियों के साथ रणवीर जी को हम स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। रणवीर जी, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दीदी अभी कुछ दिन पहले मैं गया था वृंदावन, और वृंदावन में मैंने एक झांकी देखी थी, और उस झांकी में मैंने देखा था कि कृष्ण जो है अपनी छोटी उंगली से पूरे गोवर्धन को उठाए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनके बहुत सारे ग्वाल बाल हैं। मेरी दीदी आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। जो साथी उनके ग्वाल बाले हैं वो सब भी अपनी अपनी लाठी लगाए हुए हैं, लेकिन समझ में मेरी ये नहीं आ रहा था। मैंने कहा जब कृष्ण ने छोटी उंगली से गोवर्धन उठा रखा है और सबको पता भी है कि ये गोवर्धन कृष्ण की उंगली पे टिका हुआ है, फिर ये लोगों ने अपनी लाठी क्यों लगा रखी है? तो दिमाग ने एक उत्तर दिया कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का कर्म करना पड़ेगा, हर हिस्से को अपने हिस्से का नमक उठाना पड़ेगा, और हर व्यक्ति को अपने हिस्से का धर्म निभाना पड़ेगा। दीदी आप हमारे कन्हैया हो और आपने गोवर्धन उठा रखा है, लेकिन सफल वही होगा जो व्यक्ति अपने हिस्से की लाठी उठाएगा, अपना धर्म निभाएगा। अच्छा गुरु वो होता है जो शिष्य के मांगने से पहले उसे सब कुछ दे देता है, और अच्छा शिष्य वो होता है जो गुरु के कहने से पहले अपना धर्म निभा देता है। दीदी अभी आपने कहा कि हमें ऑफलाइन जाना चाहिए, अभी हम लोग 21 फरवरी को 300 लोगों की एक ओपन मीटिंग कर रहे हैं, पहली बार ही कर रहे हैं, और बहुत अच्छी मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हम रिकॉग्निशन वगैरह सब कुछ करेंगे पूरे 11 महीनों का। इसके साथ साथ में जिम कॉर्बेट में अभी हम 400 लोगों की एक LDP कर रहे हैं दीदी। तो ये सब कुछ आपको बताया इसलिए कि अंदर से लगा कि नहीं दीदी हम बता दें कि आपके जो लोग हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो सब सही रास्ते पे निकल पड़े हैं, और निश्चित रूप से हम मिशन 1221 को सार्थक बनाएंगे, सफल बनाएंगे, अपना पूरा जोर लगाएंगे। दीदी भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का मान है जो आपने मुझे कन्हैया कहा, पर मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाह रही हूँ, कन्हैया समीर जी हैं। मैं तो आप लोगों की तरह बस एक लाठी लगाए हुए खड़ी हूँ। मैं निशांत, हम सारी की सारी टॉप लीडरशिप ने एक ही काम कर रखा है, बस इतना कर रखा है लाठी एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से लगा रखी है, दोनों के दोनों हाथ हमारे सिर्फ उस पहाड़ को साथ देने में, साधने में लगे हैं, बाकी जो कर रहा है वो तो भगवान कर रहा है, वो तो अल्लाह कर रहा है, गॉड कर रहा है। तो समीर मोदी जी हैं, मैं एक गुड न्यूज और मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। समीर मोदी जी जो हम अभी आजादी मार्च कर रहे हैं, पहली आजादी मार्च जो हमारी हो रही है 23 मार्च को, उसमें समीर मोदी जी ने
अनाउंस किया है, समीर जी ने हमें टाइम दे दिया है और हम 23 मार्च को समीर मोदी जी के साथ मोदी केयर की 25th एनिवर्सरी, हम 25 साल का सेलिब्रेशन एक साथ सब लोग मिलकर के करने वाले हैं। तो समीर जी कन्हैया है हमारे, उन्होंने उंगली पर पर्वत ये हमारी भाग्य दीदी, हमारे पास दो दो कन्हैया है, एक सुरेखा जी के रूप में, एक समीर सर के रूप में, बाकी पूरा मैनेजमेंट तुम्हारे साथ में है ही है। चलिए दीदी, मेरा एक और नाम से हूँ मैं जिसमें मुझे पीपीटी शेयर करनी है, रणवीर सिंह नाम सेम नाम है वो भी, मैं उसमें आपको को-होस्ट बना रही हूँ भैया। अच्छा, दोनों बना दिया, उसमें भी बना दिया मैंने। यस भैया, गो अहेड, गो अहेड। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और पिछले 25 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 5 साल से मोदी करके साथ में, मोदी करके साथ में आना बाय चांस नहीं था, बाय चॉइस था, और बाय चॉइस इसलिए था कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, इन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया, अपने घर पे यूज किया, परिवार पे यूज किया, पेशेंट्स पे यूज किया, नियर एंड डियर पे यूज किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए तब भरोसा आया। एक डॉक्टर का ईगो बहुत बड़ा होता है, एक डॉक्टर के लिए आसान नहीं होता ये साबुन तेल मंजन का काम करना, लेकिन जब प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और वेलनेस से एंट्री करी तो चूंकि हमें अपने पेशेंट को हर हालत में सही करना होता है, हम अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो जो प्रोडक्ट्स थे उनसे प्यार होना शुरू हो गया, जब प्रोडक्ट से प्यार हुआ तो फिर बाकी प्रोडक्ट से भी प्यार होना शुरू हो गया, और जब दोनों प्रोडक्ट से प्यार होना शुरू हो गया यानी वेलनेस के प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट से प्यार होना शुरू हुआ, तो फिर एक प्यार और दिमाग में आया और वो प्यार था पैसे का प्यार, और मोदी करके स्टार्ट किया, अच्छे से स्टार्ट किया, दिल लगा के काम किया, दिन रात एक करके काम किया, नो डाउट सीख के काम किया, समझ के काम किया, और आज की तारीख में दीदी के आशीर्वाद से, समीर मोदी जी के आशीर्वाद से और पूरे मैनेजमेंट के, पूरी टीम के माध्यम से आज ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ मैं। इससे पहले जो मेरा सत्संग था उसमें मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर हुआ करता था और एक अच्छी इनकम पे हूँ, एक अच्छी लग्जरी गाड़ी चला रहा हूँ, लग्जरी बंगले में रह रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन सबके पीछे रीजन क्या है, इन सबके पीछे अगर रीजन है तो वो दो चीजें, एक तो मोदी करके प्रोडक्ट्स और दूसरा निश्चित रूप से जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, जिससे जो हमें सिखाता है कि ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए, हम इन दोनों चीजों को फॉलो करते हैं, यानी प्रोडक्ट्स की जो क्षमता है उनको सही रूप में लोगों तक लेके जाते हैं और उसके कारण से आज मैं यहाँ पर पहुंचा। आज का मेरा जो सत्संग है वो प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग का नहीं है, आज का जो मेरा सेशन है वो डिजीज बेस्ड ट्रेनिंग का है, तो मैं सीधे चलता हूँ अपनी ट्रेनिंग पे, आप ज्यादा समय ना लेते हुए, तो उसके लिए मैं पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ। और दोस्तों यस, आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी। हाँ जी दोस्तों, आज की हमारी थैंक यू आज की हमारी जो पहली डिजीज हम कवर करने जा रहे हैं, ये डिजीज का नाम है अस्थमा। सर्दी के मौसम में अस्थमा के मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना है। अस्थमा फेफड़ों के वायु मार्ग से जुड़ी हुई एक ऐसी बीमारी है जिसमें श्वसन नली की सूजन बढ़ जाती है और श्वास नली सिकुड़ जाती है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा के मरीज को खांसी के कारण फेफड़ों से कफ आता है, लेकिन कई बार ये कफ बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से मरीज को बहुत परेशानी होती है। सर्दी के मौसम में अस्थमा से बचाव बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। लक्षण क्या होंगे इसके? लक्षण ये होंगे कि बार बार पेशेंट को खांसी आएगी, और जब भी खांसी आएगी तो इतनी तेज खांसी आएगी कि आपको लग रहा है खांसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार खांसी आती रहेगी, लगातार खांसी आती रहेगी। और जब खांसी आएगी तो आप देखेंगे खांसी कि जो लास्ट मूवमेंट होगा वहां पर सीटी सी बजती है, यानी कि आपको लगेगा ये आवाज जो निकल रही है वो गले से आवाज निकल रही है। तो जब खांसी करते समय व्यक्ति के गले से आवाज निकलना शुरू हो जाए, सीटी सी बजने शुरू हो जाए, तो आप महसूस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित है, ये व्यक्ति दमा से पीड़ित है। इसके साथ साथ में खांसी में छाती में आपको जकड़न सी महसूस होती है, छाती में भारीपन सा महसूस होता है, कई बार दीदी शायद मैं दूसरे वाले नंबर से मीटिंग से लीव हो गया हूं। मीटिंग में दिख तो रहे हैं, दोनों से हैं सर, दोनों से हैं। चलो हाँ हैं, जी आपको जकड़न महसूस होगी। इसके साथ साथ क्या होता है कि कई बार आप काम नहीं करेंगे, जैसे कई बार होता है कि हम काम कर रहे हैं, हम वर्किंग में हैं तो उस समय सांस फूलती है, ओके इट्स ओके, लेकिन कई बार क्या होता है कि काम नहीं कर रहे हैं तो फिर भी हमारी सांस फूल रही है, तो ये लक्षण जो है ये अस्थमा के लक्षण होते हैं। खांसी के समय कठिनाई होती है, यानी कि खांसते समय आपको बहुत चेस्ट में पेन होता है,
और आप निकालना चाहते हैं कफ कि मेरा किसी तरह से कफ बाहर निकल जाए, लेकिन कफ अगर बाहर नहीं निकल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में हम समझ जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं अस्थमा के पेशेंट हो रहे हैं। क्या सजेस्टेड सप्लीमेंट्स रहेंगे, कौन कौन से सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो मोदी केयर के जो इसमें काम करते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। गार्लिक, गार्लिक एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। इस बीमारी को मैंने क्यों इस समय कवर किया है, क्योंकि ये बसंत का मौसम है। जिस समय बसंत का मौसम होता है उस समय होता क्या है, जो सर्दियों में आपका कफ जम चुका होता है आपके चेस्ट में, थोड़ी थोड़ी धूप निकलने स्टार्ट होती है, थोड़ी थोड़ी धूप निकलने स्टार्ट होती है तो ये कफ पिघलना स्टार्ट होता है। कफ से यहाँ हमारा मतलब है बलगम से, कफ से हमारा मतलब है वात पित्त कफ से, जो आयुर्वेद में तीन तरह के दोष माने जाते हैं वात पित्त कफ से। तो ये कफ जो है ये हल्का सा पिघलने लगता है, जब ये कफ पिघलने लगता है तो आपके सिम्टम्स थोड़ा सा क्या होते हैं एग्जिग्रेट कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया है। तो इस समय अस्थमा के पेशेंट्स को ज्यादा दिक्कत होगी, तो क्या देना होगा उनको, गार्लिक पर्ल देंगे आप एक सुबह एक शाम को। टर्मरिक एक नया बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया है मोदी केयर ने इस समय, जिसका कि मेन कंटेंट होता है करक्यूमिन। तो टर्मरिक को अगर आप एक सुबह एक शाम देंगे नाश्ते के बाद में, तुलसी की अभी न्यू लॉन्च हुआ है तुलसी भी हमारा एक सुबह एक शाम, तो गार्लिक एक सुबह एक शाम, टर्मरिक एक सुबह एक शाम, तुलसी एक सुबह एक शाम देते हैं अगर आप, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आते हैं। मैं नोनी नोट डाउन करना भूल गया है यहाँ पर, तो आप नोनी को भी ऐड कर सकते हैं। तो सजेस्टेड सप्लीमेंट्स फॉर अस्थमा रहेगा नोनी 20 ml सुबह 20 ml शाम को, एक कप गुनगुने पानी के साथ में खाली पेट, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट के बाद में गार्लिक एक सुबह एक शाम, टर्मरिक एक सुबह एक शाम, तुलसी एक सुबह एक शाम, और इसके साथ साथ में शहद। शहद बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है कफ के दोषों को रिमूव करने के लिए, कि जो हमारे वात पित्त कफ में कफ दोष होते हैं, कफ दोष को हटाने के लिए गुड़ और शहद, ये दो चीजें बिल्कुल रामबाण की तरह मानी जाती हैं। तो शहद का बहुत अच्छा प्रयोग करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, होम रेमेडीज की बात मैं करूं तो बहुत छोटी छोटी मैंने होम रेमेडीज बताई हैं। अगर आप अपने मोदी केयर के जो सजेस्टेड सप्लीमेंट्स है उन सप्लीमेंट्स के साथ साथ में इन होम रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे बहुत शानदार आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, एक ग्लास पानी में एक चम्मच मेथी को उबालिए। एक ग्लास पानी ले लीजिए, एक ग्लास पानी में आप एक चम्मच मेथी को उबालिए। जब पानी एक कप बचे, यानी कि एक ग्लास पानी में एक चम्मच मेथी को उबालेंगे, जब पानी आपका एक कप बचे तो उसमें एक चम्मच अदरक का रस डाल दीजिए, एक चम्मच अदरक का रस डाल दीजिए और एक चम्मच शहद उसमें डाल दीजिए। अब क्या होगा, पानी खोल रहा है आपका, आप उसको चाय की तरह बिल्कुल सिप सिप करके पीना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए। यस, उसमें आप बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके साथ साथ मैं दूसरी होमरेडीज बता दूंगा आपको, एक ग्लास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर मोदी का होना चाहिए। एक ग्लास दूध में अगर आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं और लहसुन की दो कलियां ले लीजिए, लहसुन की दो कलियां ले लीजिए, इनको पीस लीजिए, इनको पीस के क्या करिए उसमें मिला दीजिए और फिर आप उसको पीते हैं तो निश्चित रूप से अस्थमा में ये भी बहुत अच्छा फायदा करता है। जिस समय अस्थमा का अटैक उठा हुआ हो उस समय क्या करना है आपको, सरसों का तेल ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा कपूर, एक चने की दाल बराबर कपूर ले लीजिएगा और थोड़ा सा एक चुटकी सेंधा नमक उसमें ले लीजिए और फिर उस तेल से आपको चेस्ट पे मसाज करनी है, पीठ पे मसाज करनी है, चेस्ट पे मसाज करिए और पीठ पे मसाज करिए। इससे क्या होगा, जो कफ जमा हुआ है चेस्ट में, वो चेस्ट में कफ जमा हुआ जो कफ है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा और जब ढीला हो जाएगा तो आसानी से कफ बाहर निकल जाएगा, तो रोगी को बहुत सारा आराम मिल जाता है। तो अस्थमा के लिए मैंने बोला नोनी, गार्लिक, टर्मरिक एंड तुलसी, इन प्रोडक्ट्स को लेंगे, साथ ही साथ में कुछ होम रेमेडीज को प्रयोग करेंगे। अगर आपके डॉक्टर आपको कोई दवाइयां दे रहा है उन दवाइयों को बिल्कुल भी बंद मत करिए, साथ में कंटिन्यू करेंगे, आपको बहुत अच्छे सुपर डुपर रिजल्ट्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरी बीमारी की तरफ, एंड दैट इज हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी का मतलब क्या हो गया आपका, एक मिनट से बोल देता हूँ इसको। जस्ट कोई बात नहीं
हाइपर एसिडिटी। दोस्तों हाइपर एसिडिटी यानी कि आयुर्वेद में हाइपर एसिडिटी को अम्लपित्त कहा गया है, हाइपर एसिडिटी को अम्लपित्त कहा गया है। सामान्य भाषा में इसे पित्त का बनना भी कहते हैं। हमारे शरीर में जब भी वात पित्त और कफ ये तीनों दोष असंतुलित हो जाते हैं तो एसिडिटी होने लगती है। ये एक पित्त दोष है, इसके बढ़ने से रोगी को सीने में जलन तथा खट्टी दरारें आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कॉजेस ऑफ एसिडिटी की तरफ जाते हैं। क्यों होती है हाइपर एसिडिटी? अत्यधिक मिर्च मसालेदार और तेलीय भोजन को करते हैं तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है। इसके साथ साथ में अगर आपने कोई भोजन किया हुआ है और भोजन वो पचा नहीं और आप दोबारा भोजन करना स्टार्ट कर देते हैं तो भी आपको हाइपर एसिडिटी के पेशेंट आप हो सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर प्रॉपर तरीके से आपको नींद नहीं आ रही है तो फिर अम्लपित्त बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पेन किलर लेता है तो भी यहाँ पर एसिड बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में कुछ चीजों का सेवन अगर आप अधिक मात्रा में करते हैं तो आप हाइपर एसिडिटी के पेशेंट हो सकते हैं, जैसे कि नमक है, शराब है, कैफीन है, धूम्रपान है, इससे एसिड बहुत बढ़ता है। और इसके साथ साथ में यदि आप तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं तो फिर एसिड बढ़ जाता है। साथियों कहना ये चाहूंगा कि यद्यपि ये एसिड देखने में बहुत छोटी सी बीमारी है, आप दिन भर टीवी पे ऐड देखा करते हैं, आपको लगता है एसिड हो गया है, आपने कोई भी एंटासिड ले लिया और लगा कि खत्म हो गया, लेकिन ये एंटासिड लेने के पहले बात तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो क्योंकि अगर एंटासिड आप लगातार ले रहे हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे कुछ दिनों बाद में, जैसे कि आपकी बॉडी में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अगर आप लगातार एंटासिड ले रहे हैं तो आलस्य का रहना लाजमी है आपकी बॉडी में, हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि एसिडिटी के सिम्टम्स क्या होंगे, तो सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में सीने में आपको जलन महसूस होगी जो भोजन करने के कुछ देर बाद तक भी बनी रह सकती है। इसके साथ साथ में खट्टी डकार आएगी आपको और कई बार डकारों के साथ में खाना भी गले तक आ जाता है, जब डकार आती है तो लगता है पूरा खाना गले तक आ गया है। जी मिसलाहट होगी, उल्टी महसूस होगी आपको, कई बार सिर में चक्कर भी आपको आना शुरू हो जाएगा, सिर में दर्द भी रहेगा, पेट दर्द भी रहेगा, बेचैनी महसूस करेगी, हिचकी से आएगी, पेट फूलता रहेगा, पेट में भारीपन रहेगा। कई बार तो क्या होता है इसी हाइपर एसिडिटी की वजह से आपको चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है और आपको लगता है हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, रिफ्लेक्स आने शुरू हो जाते हैं, बार बार ऐसा लगेगा जैसे गले तक पूरा खट्टा खट्टा सा पानी आ गया, पूरे मुंह में खट्टा खट्टा सा पानी आ गया। तो इस तरह के आपको सिम्टम्स महसूस होंगे। इसके हाइपर एसिडिटी के केस में सजेस्टेड सप्लीमेंट्स जो है वो दिखेर देता है वो है एलोवेरा। एलोवेरा लेना है आपको 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, 1 cup गुनगुने पानी के साथ में लेना है। इसके साथ में आपको लेना है डिटॉक्स, 1 tablet सुबह, 1 tablet शाम को, ये एलोवेरा के साथ ही ले ली जाएगी। ये करेगा क्या, ये आपके जो आंतों में जमा हुआ टॉक्सिन्स है उस सारे के सारे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालेगा। इसके साथ साथ में डिटॉक्स और एलोवेरा ये क्या करते हैं, जो आपका पित्त बढ़ जाता है, जो पेट में आपका पित्त बढ़ जाता है, उस बढ़े हुए पित्त को ये संतुलन में लेके आ जाते हैं। इसके साथ साथ में आप ब्रेकफास्ट करने के बाद में पुदीना तुलसी की एक गोली ले सकते हैं और अमृत शक्ति की एक गोली ले सकते हैं, ये मॉर्निंग में ले सकते हैं। अगर इसको आप लगातार कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो एसिडिटी बरसों से चली आ रही है, 20 साल से 25 साल से आपको एसिडिटी चली आ रही है, ये 20-25 साल की एसिडिटी आपकी खत्म हो जाएगी। आपको करना क्या पड़ेगा, एलोवेरा 30 ml सुबह शाम, डिटॉक्स की एक गोली सुबह गोली शाम को, पुदीना तुलसी और अमृत शक्ति दोनों से एक गोली लेते हैं आप, तो ये आपको रिलीफ मिला, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं होम रेमेडीज की तो 1 glass पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर उबाल लीजिए। जब पानी आधा बचे तो ठंडा करके छान के पी लीजिए, यानी सौंफ का पानी आप अगर पीते हैं लगातार दिन में 2 बार सौंफ का पानी पीते हैं, बाकी जो मैंने आपको सजेस्टेड सप्लीमेंट्स बताए हैं उनके साथ साथ में, तो आप देखेंगे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम से आपको बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। नारियल पानी बहुत रिलीफ देता है, तो जहां कहीं भी आपको नारियल पानी दिखाई पड़े और आप एसिडिटी के पेशेंट हैं और आप मूव कर रहे हैं, जहां कहीं भी नारियल पानी दिखाई पड़े वहां नारियल पानी को जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है एसिडिटी को रिलीफ करने में। एक और घरेलू उपाय है, बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही है, आपके पास कुछ भी नहीं है उस समय और आपको लग रहा है कि कैसे रिलीफ करें एसिडिटी से, कैसे रिलीफ पाए एसिडिटी से, तो आप एक कप दूध ले लीजिए, 1 glass दूध ले लीजिए, उसमें बर्फ का एक टुकड़ा डाल लीजिए, दूध में बर्फ डालकर पीने से भी कई बार एसिडिटी में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, तो ये करिए, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। मैं कहना ये चाहूंगा कि ये बीमारी दिखने में बहुत छोटी जरूर नजर आ रही है, लेकिन बीमारी छोटी है नहीं, और लगभग लगभग आज की तारीख में 60-70% लोग हाइपर एसिडिटी से परेशान है। ये पहले आपको पेट से संबंधित रहती है और धीरे धीरे यही ब्लड एसिडिटी बन जाती है, और ब्लड एसिडिटी बनने के बाद में तमाम तरह की बीमारियां इसी एसिडिटी की वजह से पैदा हो जाती हैं, और उनमें से एक बड़ी बीमारी का नाम है कैंसर। यानी कि कैंसर ऐसी बीमारियों का भी अगर जन्म देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जो बेसिक लेवल पे होगा वो एसिडिटी से होगा,
तो ऐसी स्थिति में अपने आप को मत लेके जाइए। बेहतर है कि अगर एसिडिटी बनना स्टार्ट है तो पहले तो परहेज कीजिए, पहले तो आपको मिर्च मसालेदार खाने से बचना है, आपको तनाव से बहुत ज्यादा बचना है, आपको साथ ही साथ में जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं उससे बचना है। मैंने बताया धूम्रपान से या अल्कोहल से या कैफीन से, इनसे बचना है आपको। लेकिन उसके साथ साथ भी हमने कहा कि आपको ये सजेस्टेड सप्लीमेंट्स और होम रेमेडीज इनको यूज करिए जीवन में, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक्ने पिंपल्स की बात करते हैं। एक्ने पिंपल्स, जब हमारे शरीर में पित्त और कफ दोष असंतुलित हो जाते हैं, जब हमारे शरीर में पित्त और कफ दोष असंतुलित हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया आयुर्वेद में तीन तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यहाँ पर जब पित्त और कफ दोष असंतुलित हो जाते हैं तो हमारी सीबेसियस ग्लैंड में रुकावट आ जाती है, जिसके कारण त्वचा में उपस्थित रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और त्वचा से निकलने वाला सीबम पोर्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से त्वचा में गोल आकार के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जो कि आपको दिखाई पड़ रहे होंगे स्क्रीन पे। इनको हम एक्ने पिंपल्स कहते हैं। सभी लोग जानते हैं एक्ने पिंपल्स क्या कहते हैं। कॉजेस क्या होते हैं एक्ने पिंपल्स के, तो इसके कॉजेस होते हैं अनहेल्दी डाइट, यानी कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो एक बहुत बड़ा कारण है। हेरिडिटरी भी हो सकता है, इसके साथ साथ में इन्फेक्शियस, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, कई बार मेंटल स्ट्रेस की वजह से एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं। हॉर्मोन्स, चूंकि 14 वर्ष से ऊपर और 21 साल के अंदर लगभग आपके हॉर्मोन्स इम्बेलेंस रहते हैं, आपकी बॉडी में तमाम तरह के चेंजेस आ रहे होते हैं, तो हॉर्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लोग ले रहे हैं उनकी वजह से भी हॉर्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, और उनकी वजह से भी कई बार एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं। अगर शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो डिहाइड्रेशन की वजह से एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं। इसके साथ साथ में जो महिलाएं मेकअप बहुत ज्यादा करती हैं, जो हमारी माताएं बहनें मेकअप बहुत ज्यादा करती हैं, और उसकी वजह से कई बार मैंने सुना है कंसीलर वगैरह की वजह से क्या होता है कि आपकी सीबेसियस ग्लैंड जो है वो पोर्स बंद हो जाते हैं। तो सीबेसियस ग्लैंड में जब आपका ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा और वो जो ऑयल है वो बाहर निकलना चाहिए, और वो ऑयल अगर बाहर निकल नहीं पाया तो वो क्या करेगा, वो सड़ेगा वहां पर, और सड़ने के बाद में वो पस रूप में आ जाता है, और फिर वो वहां पर आपको एक्ने पिंपल्स दिखाई पड़ जाते हैं। आइए देखते हैं शरीर से सिम्टम्स क्या होंगे। यस, रोम छिद्र बंद हो जाएंगे आपके, छोटी छोटी लाल रंग की गांठों में पस पड़ जाएगा, और कई बार कुछ बड़ी बड़ी गांठें भी लाल रंग की आपको दिखाई पड़ती हैं, जिसको हम एक्ने पिंपल्स के नाम से जानते हैं। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स की बात करें तो नोनी 20 ml मॉर्निंग में लेना है, 20 ml इवनिंग में लेना है। नोनी 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग में लेना है। डिटॉक्स लेना है आपको, एक सुबह एक शाम को। इसके साथ साथ में टर्मरिक लॉन्च हो गया, ये प्रोडक्ट दीदी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और बहुत 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 बीमारियों में काम करता है। इवन तक अगर मैं संहिताओं की बात करूं, चरक संहिता की बात करूं, सुश्रुत संहिता की बात करूं, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने करीबन जो बड़ी बीमारियां हैं उन बड़ी बीमारियों से संबंधित 10-10 औषधियों के नाम लिख के दिए हुए हैं कि मान लीजिए ये पाचन तंत्र की बीमारी है तो इसके लिए 10 औषधि, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है तो इसके लिए 10 औषधि, ये मान लीजिए आपके बोन एंड ज्वाइंट से डिजीज है तो इसके लिए 10 औषधि। तो उन जो 10 औषधियां उन्होंने लिखी हैं उनमें से जो हल्दी है वो 5-6 कैटेगरीज में उन 10 में से एक मानी जाती है, यानी 10 में से एक स्थान हल्दी ले लेती है 5-6 कैटेगरीज में। तो ये टर्मरिक ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये भी हमारा हॉट सेलिंग ब्रांड बनने वाला है बहुत जल्दी, और आपका आदेश होगा तो जरूर कभी ट्रेनिंग करेंगे इस विषय पे। तो हमें टर्मरिक मिलेगा, एक लेनी है सुबह और एक लेनी शाम को। इसके साथ साथ में रोजमेरी फेस पैक हफ्ते में 2 बार लगाना है, 2 बूंद टीटी ऑयल डाल दीजिए आप रोजमेरी फेस पैक पे, तो आप ये कर सकते हैं। और फेयरनेस जेल जो हमारे पास में है, जो गुलाबी रंग का आता है, उसको आप लगाइए। तो नोनी 20 ml सुबह शाम, डिटॉक्स की एक सुबह शाम, टर्मरिक एक सुबह शाम, रोजमेरी फेस पैक विद टीटी ऑयल और फेयरनेस जेल अगर हम यूज करते हैं तो आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे एक्ने और पिंपल्स में। बेसिक जो समस्या है एक्ने पिंपल्स की, वो एक तो उम्र के साथ में होती है जो कि नेचुरल है, 14 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में जनरली ऐसा देखा जाता है, नेचुरल है, और कई बार ये हेरिडिटरी भी होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जो मुख्य रीजन है वो रीजन है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल अगर रहेगी, आपके पेट में खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा तो टॉक्सिन्स बनेंगे, और ये टॉक्सिन्स जो है शरीर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं एक्ने पिंपल्स के रूप में आपके चेहरे पर दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नीट एंड क्लीन बनी रहे, आपकी स्किन पे किसी तरह के एक्ने पिंपल्स ना हो, तो अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को सही करिए, टाइम पे सोना स्टार्ट कीजिए, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, और साथ ही साथ में अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करिए। अनहेल्दी फूडिंग की तरफ से बाहर निकल के आइए, जंक फूड से जितना बाहर निकल जाएंगे, स्ट्रेस से जितना बाहर निकल जाएंगे। रात में 2-3 बजे तक बच्चे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं,
फेसबुक पे लगे रहते हैं, अगर उससे बाहर निकल जाएंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्याओं से आप बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। प्रिवेंशन की बात मैं करूं तो अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट की वजह से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ जानवरों का दूध, अगर जैसे भैंस और गाय है, जनरली इन्हीं का दूध हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इनकी वजह से भी कई बार हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट, अगर आप इस स्टेज में हो जिस स्टेज में एक्ने पिंपल्स आपको हो रहे हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। नॉनवेज अवॉइड करिए। नॉनवेज क्यों अवॉइड करिए? नॉनवेज की वजह से हो सकता है डाइजेशन प्रॉपर ना हो, और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लोड लीवर पे पड़ेगा, और लीवर पे पड़ने के बाद में फिर वहां से हमारी रक्त धातु गड़बड़ होगी तो फिर पिंपल्स आएंगे, वो आयुर्वेद का विषय है। और चीनी को अवॉइड करिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप भारी आहार को अवॉइड करिए, यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करिए और शुगर को अवॉइड करिए निश्चित रूप से। इसके बाद में दीदी, अब मैं बहुत बड़ी डिजीज को कवर करने जा रहा हूँ, और लगभग आज की तारीख में हर व्यक्ति जीवन काल में कभी ना कभी इस डिजीज से उसका सामना होता ही होता है। और अगर हम देखते हैं समाज में तो हर तीसरा व्यक्ति हो सकता है बहुत बड़े स्तर पे ना हो, लेकिन हल्के फुल्के स्तर पे कहीं ना कहीं इस बीमारी से वो जूझ रहा होता है। थोड़ी मात्रा में तनाव होना हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, और यह अच्छा भी है, जिससे कि हम अपने कार्य को करते समय उत्साहित अत्यधिक लापरवाह ना हो जाए। अगर थोड़ा सा भी तनाव नहीं लेंगे, थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं आएगा दिमाग में, तो हम फिर किसी कार्य को बहुत संजीदा होके नहीं करेंगे, बहुत सीरियस होके नहीं करेंगे। तो थोड़ा बहुत तनाव तो होना बहुत जरूरी है अपने कार्य को परफेक्शन देने के लिए, लेकिन अगर ये तनाव अत्यधिक और अनियंत्रित हो जाता है तो ये हमारे मस्तिष्क और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, और ये कब अवसाद में बदल जाता है ये हमें पता भी नहीं चलता है। कॉजेज ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है? तो जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आ जाए, जैसे कोई दुर्घटना जीवन में आ जाए, कोई जीवन में बड़ा संघर्ष आपके सामने एकदम से खड़ा हो जाए, किसी पारिवारिक सदस्य या प्रिय को आप खो देते हैं तब भी इस तरह समस्या आ जाती है, या फाइनेंशियल इश्यू कोई आ गया, फाइनेंशियल दिक्कत कोई आ गई, तो ये भी सब बहुत बड़ा मुख्य कारण है जिसकी वजह से इंसान तनाव में रहता है। तो ये भी कुछ रीजंस होते हैं। इसके साथ साथ में आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी कई बार जाने अनजाने हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कि जैसे ही 45 से लेके 50 ईयर्स की एज हुई और मालूम पड़ा मेंसेस साइकिल क्लोज होने स्टार्ट हो गए, आप मेनोपॉजल स्टेज में आ गए और मालूम पड़ा आप बेमतलब में स्ट्रेस में आ गए, समझ में नहीं आ रहा रीजन क्या है, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेस में है। इसके साथ साथ में अगर डिलीवरी हुई है तो कई बार लोग डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में आ जाते हैं, अचानक ही समझ में नहीं आता कि क्यों आदमी डिप्रेशन में आ गया, डिलीवरी हुई, हार्मोनल इंबैलेंस हुआ बॉडी में और मालूम पड़ा डिप्रेशन में आ गए। कई बार थायराइड के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा डिप्रेशन के केसेस देखे जाते हैं, थायराइड में भी अगेन सेम हार्मोनल इंबैलेंस होता है और इस तरह की दिक्कत हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ये सेरोटोनिन बनाते हैं, ये डोपामिन बनाते हैं, ये नॉरएपिनेफ्रिन बनाते नामक केमिकल को रिलीज करते हैं। अब ये नॉरएपिनेफ्रिन नाम के केमिकल जो रिलीज होते हैं ये करते क्या है, ये आपको आनंद देते हैं, ये आपको खुशी देते हैं, डोपामिन हुए, सेरोटोनिन हुए, नॉरएपिनेफ्रिन हुए, ये आपको खुशी देते हैं। लेकिन जब कभी क्या होता है इनमें बैलेंसिंग बिगड़ जाती है, ये मतलब एक नियमित मात्रा में होने चाहिए, संतुलन में होने चाहिए, लेकिन जब कभी ये असंतुलित हो जाते हैं तो फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हो। तो ये कुछ रीजन है डिप्रेशन में आने के। डिप्रेशन का रोगी के लक्षण क्या होंगे वो मैं बता दूं आपको, और ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपको कई बार आपके आसपास कोई डिप्रेशन का मरीज होता है और हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है ये मतलब टेंशन में कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो वो डिप्रेशन में आ चुका होता है व्यक्ति। तो डिप्रेशन का रोगी क्या होता है, वो उदास रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा उलझन में रहता है और हमेशा हारा हुआ महसूस करता है। इस तरह के रोगी में आत्मविश्वास बहुत कम होता है, इस तरह के रोगी स्वयं को कभी भी एकाग्र नहीं कर पाते, फोकस्ड नहीं होते हैं, ये कभी सेंट्रलाइज नहीं कर पाते अपने आप को, कंसंट्रेशन का बहुत पुअर होता है, ये चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं और बातचीत अक्सर बहुत कम करते हैं। ऐसे लोग सदैव भ्रम की स्थिति में होते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और संदेह से हमेशा हर चीज को देखते रहते हैं। इसके साथ साथ में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी काम को स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी छोड़ देंगे, बस मालूम मोदी के लिए स्टार्ट किया, 4-6-10 लोगों से मिले और 10 लोगों ने अगर ना बोल दिया तो छोड़ दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपको फिर डिप्रेसिव स्टेट की तरफ दिखाता है कि नहीं आप जो है हल्का फुल्का डिप्रेशन की स्टेट पे तो नहीं है कहीं। अस्वस्थ भोजन को बहुत प्रिय होता है, जंक फूड की तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है, जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है उसकी तरफ इनका इंटेंशन बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ साथ में हमेशा बेचैन रहते हैं, हमेशा इनको बेचैनी महसूस होती है, तो बेचैनी इनको बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कहीं आपको कोई आदमी दुखी बहुत ज्यादा रहता है, अकेले बैठता है, बातचीत कम करता है, चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, हर चीज में गिवअप कर देता है, हर चीज को छोड़ देता है, कहीं टिकता नहीं है, अगर ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन के स्टेट हो सकते हैं। इसके सप्लीमेंट्स कौन से देने हैं वो ध्यान दीजिए। इसमें रेड कोरियन जिंसिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर मेंटल
हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए रेड कोलिन जिंसिंग हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि मोदी कर ने 20 साल से आपको प्रोवाइड करा रखा है। वन बीडी देना है आपको, एक सुबह एक शाम देना है। इसके साथ साथ में मोदी कर ने दो प्रोडक्ट और बहुत अच्छे लॉन्च कर दिए हैं, शानदार प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, मेंटल इलनेस के लिए, अलर्टनेस के लिए, यहाँ तक कि एपिलेप्सी के लिए भी आप इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो रेड कोरियन जिंसिंग 1 BD देना है आपको, अश्वगंधा 1 BD देना है, ब्राह्मी देना है 1 BD, और इसके साथ साथ में नोनी, तो हमारा किंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सही है। तो नोनी 20 ml सुबह शाम देना है, ब्राह्मी 1 सुबह शाम देना है, अश्वगंधा 1 सुबह शाम देना है, रेड कोरियन जिंसिंग आप 1 सुबह शाम देंगे तो आप देखेंगे डिप्रेशन ऐसी बीमारियों में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। होम रेमेडीज की बात करें कि आपको डिप्रेशन में कौन सी होम रेमेडीज देनी है, तो मैं तो आपसे ये कहूंगा अपने आप को किसी ऐसे कार्य में व्यस्त कर लीजिए जहां पर खोने के लिए कुछ भी ना हो और पाने के लिए बहुत कुछ हो। अपने आप को ऐसी संगत में रखना जहां पर लोग आपका हाथ पकड़कर आपको हर समय ऊपर उठाने की कोशिश करें। खुद को ऐसे लोगों के संपर्क में रखना जो सदैव पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं और हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं। और अगर मैं 100 बात की एक बात कहूँ, अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो मोदी केयर ज्वाइन कर लीजिए, और ऑलरेडी अगर मोदी केयर में ज्वाइन है तो अच्छे से मोदी केयर संग काम कीजिए। डिप्रेशन आसपास हमारे फड़कता नहीं है, डिप्रेशन आसपास हमारे नजदीक भी नहीं आता। किसी अच्छे गुरु का हाथ पकड़ लीजिए, हम लोगों ने जिसे हाथ पकड़ रखा आदरणीय सुरेखा का, तो हम लोग डिप्रेशन में आ ही नहीं सकते, हर समय पॉजिटिव रहते हैं। तो ये हमारी होम रेमेडीज है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट पाइल्स की बात करेंगे। पाइल्स ये एक बहुत ही तकलीफ देह बीमारी है, करीब 60% लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी इस बीमारी का सामना जरूर किया होता है। ये दो तरह की होती है पाइल्स, इसको हम हेमोराइड्स के नाम से भी जानते हैं। दो तरह की पाइल्स होती है। पहली पाइल्स होती है खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती, यहाँ पर कोई दर्द नहीं होगा किसी प्रकार का। इसमें मल त्याग करते समय खून आता है, इसमें गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं, और मल त्याग करते समय खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा टपकता है या पिचकारी के रूप में भी कई बार आने लगता है। तो ये बवासीर कैसी होती है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पेन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है यहाँ पर कि यहाँ पर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, और ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे पेशेंट एनीमिक होने लगता है, धीरे धीरे पेशेंट कमजोर होने लगता है। तो ये एक प्रकार की बवासीर है। दूसरी बवासीर होती है बादी बवासीर। बादी बवासीर में पेट की समस्या बहुत अधिक रहती है, कब्ज बनती रहती है, गैस की समस्या बनी रहती है। इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन इस तरह की बवासीर में दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसमें जो मस्से हैं ये बहुत आसानी से बाहर देखे जा सकते हैं। खुजली और जलन आप महसूस करते हैं गुदादार पे, मल त्याग के समय और मल त्याग के बाद भी इसमें दर्द बना रहता है, जलन और खुजली बनी रहती है। चलने और उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है, अगर आप बैठ रहे हैं तो भी तकलीफ होगी, चलने फिरने में तकलीफ होती। ये वो बीमारियां हैं जिनकी लोग चर्चा नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि इन बीमारियों से जूझता हुआ व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, बहुत दुखी रहता है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या होंगे, गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है, इसमें मस्से आते हैं, इसमें दर्द रहता है और खून भी आ सकता है। सौच के बाद भी पेट साफ ना होने का एहसास बना रहता है। मल त्याग के समय जलन तथा लाल जो फ्रेश ब्लड होता है वो दिखाई पड़ेगा आपको। मल त्याग के समय अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है। गुदा के आसपास खुजली, लालिमा व सूजन बनी रहती है। मल त्याग की इच्छा बनी रहती है लेकिन मल निकलता है। मल त्याग की इच्छा तो आपके अंदर रहेगी बहुत, बार बार आप मल त्याग करने के लिए जाएंगे कि मुझे मोशन हो जाएगा, मुझे मोशन हो जाएगा, लेकिन जब आप बैठेंगे तो वो मोशन होगा नहीं उस तरह से। और ये सिम्टम्स हैं पाइल्स के। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो एलोवेरा 30 ml सुबह, एलोवेरा 30 ml शाम को आप लेते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। एलोवेरा इज द वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर पाइल्स प्रॉब्लम। डिटॉक्स की एक गोली सुबह एक गोली शाम लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, कि अगर पेट साफ रहेगा और पेट की अग्नि अच्छी रहेगी तो आपको इस तरह की समस्याएं हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस समस्या का मूल समस्या जो है, मूल समस्या होती है आपके पेट की मंदाग्नि, यानी आपके पेट की अग्नि का कम होना। तो अगर आप एलोवेरा लेते हैं, डिटॉक्स लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपकी अग्नि को बढ़ा के रखते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा रखते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे, कब्ज नहीं होने देंगे, तो इस तरह की बीमारियां पनप ही नहीं पाएंगी। ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग स्पायरलूना बोलते हैं। स्पायरलूना एक सुबह एक शाम जरूर दीजिए। इसमें इसके साथ साथ में फेयरनेस जेल जो हम लोग चेहरे पे लगाते हैं, इस जेल को अगर आप लोकल एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा बहुत अच्छी मात्रा में मिला हुआ है, और एलोवेरा मस्सों को खत्म करने में या मस्सों को दबाने में बहुत अच्छी तरह काम करता है। तो लोकल एप्लीकेशन के लिए फेयरनेस जेल का भी यूज आप कर सकते हैं। तो ये हमारे सजेस्टेड सप्लीमेंट्स हो गए। अगर मैं होम रेमेडीज की बात करूं तो नारियल आप सब लोग जानते होंगे, कोकोनट। नारियल की जटा को जलाकर राख बना लीजिए। नारियल की जो जटा होती है उसको जलाकर राख बना लीजिए, फिर इसको जब राख पूरी तरह बन जाए तो उसको छान लीजिए, छन्नी से छान लीजिए। जो फ्रेश राख दिखाई पड़ेगी आपको, छन्नी के नीचे वाली जो राख दिखाई पड़ेगी, उसमें से 3 ग्राम राख को उठाइए, और छाछ होती है, छाछ जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, उस छाछ के साथ में लगातार 3 दिन आपको सुबह शाम लेना है। और ये आपको क्या करना है, 3 दिन ले लिया आपने,
फिर चार दिन गैप कर दीजिए, फिर अगले हफ्ते तीन दिन ले लीजिए, फिर चार दिन गैप कर दीजिए, फिर अगले हफ्ते तीन दिन ले लीजिए, फिर चार दिन गैप, फिर अगले हफ्ते तीन दिन ले लीजिए। यानी कि महीने में आपको 12 दिन लेनी है, चार हफ्ते तक लगातार लेनी है। सुबह शाम लीजिए इसको 3-3 ग्राम करके, 3 दिन हफ्ते में लेनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे बवासीर में बहुत लाभ मिलेगा। एक काम और कर सकते हैं, आप एक कप नींबू ले सकते हैं, एक कप दूध ले सकते हैं और नींबू आधा काट लीजिए, जैसे दूध को मुख के नजदीक लाइए, नींबू निचोड़ दीजिए और उसको पी जाइए दूध को। तो क्या होगा, वो जो दूध है वो पेट में जाके फटेगा जाकर, तो वहां पर भी पायस में बहुत अच्छे तरह से आराम मिलता है। तो ये कुछ होम रेमेडीज है पायस की। आज भी मैंने 5 बीमारियां कवर करी हैं और उम्मीद है लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एड होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया भैया, दिस इज अमेजिंग। क्या कहूंगा, आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करेंगे? जी दीदी, हम आपको देखना चाहेंगे। बिल्कुल, स्क्रीन शेयर ऑफ करें। हाँ जी, हाँ जी, दिस इज रियली फैंटास्टिक। बहुत 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 काम की इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी है और सभी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। दो बातें हुई हैं, एक तो ये सारी की सारी खतरनाक बीमारियां आज आपने ली हैं, जो भले दिखती नहीं है, बहुत छोटी सी दिखती है। लोग ना बड़ी बड़ी बीमारियों पे कैंसर से डरते हैं या हार्ट फेल से डरते हैं, हार्ट अटैक से डरते हैं। असली बात यह है कि उन ये बीमारियां रोज मारती हैं इंसान को, और वो बीमारियों का आज आपने इलाज बताया है। और मोदी केयर के कौन से प्रोडक्ट इनमें क्या बेनिफिट दे पाएंगे ये बताया भैया। कुछ क्वेश्चंस लोगों ने मेरे को भेजे हैं, मैं आपसे पूछूं, आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। एक तो सवाल आया है कि जो हनी लेना है, अस्थमा में हनी लेना है, वो कौन सा वाला? अपने पास जैसे 3 हनी है, कौन सा वाला हनी लेना है भैया? हनी विद जिंजर, हनी विद जिंजर इज द बेस्ट हनी। हनी विद जिंजर करा देते हैं, ठीक है, सब हो जाएगा। अच्छा, जहां भी आपने एलोवेरा जूस बोला है, लोग पूछ रहे हैं कि वहां हम एलोवेरा की टेबलेट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जूस में क्या होता है, जब जूस आप लेते हैं तो गर्म पानी के साथ में लेते हैं, तो पानी की मात्रा वहां जाती है ना, गर्म पानी की मात्रा, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन में ज्यादा फायदा कर जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है भैया। अच्छा, ये जैसे आपने एसिडिटी बताया, अब किसी को एसिडिटी की नहीं पर गैस की प्रॉब्लम हो, कि मतलब कोई खट्टी डकार नहीं आ रही है, बर्पिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, पर बहुत गैस फॉर्मेशन भी हो रही है, गैस पास भी हो रही है, फार्ट भी हो रही है, स्मेल भी आ रही है, उसमें कौन से प्रोडक्ट दिए जाएं, ये बात पूछ रहे हैं लोग। उसमें दीदी हम क्या करते हैं, एलोवेरा के साथ साथ में हम बिल्कुल डिटॉक्स देंगे। एलोवेरा डिटॉक्स अमृतशक्ति और पुदीना तुलसी, एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन यही होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें होम रेमेडीज में, एक चीज बता दूं आपको, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन ले लीजिए, उसको एक चम्मच घी में हल्का सा तवे पे भून लीजिए। आधा चम्मच अजवाइन को एक चम्मच घी में हल्का सा तवे पे भून लीजिए। एक चुटकी सेंधा नमक ले लीजिए और खाना खाने के तुरंत बाद सुबह और शाम लेना शुरू करेंगे, आप देखेंगे गैस की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, आज आपने बहुत सारे लोगों की बहुत नॉर्मल जो मतलब रूटीन की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको लेकर के बहुत आज आपने है ना हमारी मदद कर दी। और मुझे लगता है कि आज के सेशन का तो बहुत फायदा होने वाला है और हर कोई इससे लाभान्वित होकर के हेल्थ भी पाएगा और डेफिनेटली वेल्थ भी पाएगा। थैंक यू सो वेरी मच भैया। और एक चीज मैंने दीदी बताई है कि आपको अगर डिप्रेशन से बचना है तो मोदी केयर में अच्छे से काम कीजिए, और अगर किसी को डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं तो उसको मोदी केयर ज्वाइन करा दीजिए, डिप्रेशन आने ही नहीं आता, आ ही नहीं पाता। सिमी जी ने 8 दिन पहले मुझे बताया था आपको सर ट्रेनिंग देनी है, 8 दिन से मैं लगा हुआ हूं, डिप्रेशन की जगह की बस्ती। ठीक बात है, बिल्कुल 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 ठीक कह दिया आपने। डिप्रेशन से बचना हो तो खुद को लगातार बिजी रखना है और कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखने का मोदी केयर से अच्छा कोई तरीका नहीं है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक भैया, मैं आपके लिए बहुत जोरदार ताली बजवाना चाहूंगी और चाहूंगी कि हम सब जने आपके सिखाई हुई सब चीजों को फॉलो करें और आगे बढ़े। थैंक यू सो वेरी मच भैया, दिस इज अमेजिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग ट्रेनिंग। मैंने वैसे सारे नोट्स बनाए हैं, फिर भी मैं डॉक्टर साहब से कहती हूँ कि हमें अपनी पीपीटी शेयर कर दीजिए, हम सबके साथ शेयर कर देंगे तो सबको बेनिफिट हो जाएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच। मोदी केयर बहुत लकी फील करता है कि आप जैसे काबिल डॉक्टर हमारे नेटवर्क में हैं, और न केवल एक तरफ मोदी केयर प्रोडक्ट्स से कैसे बीमारियां ठीक करने का जो आपका सालों का अनुभव है, वो अनुभव आप ऐसे चुटकियों में हमारे साथ अनकंडीशनली शेयर कर जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर रणवीर जी। राइट फ्रेंड्स, तो ये था आज का वाओ यानी वेल्थ और वेलनेस सेशन। और जब वेल्थ और वेलनेस दोनों हो तो वाओ लुक भी अपने आप आ ही जाते हैं। कोई मैटर नहीं करता कि आप है ना कितने खूबसूरत हो, मैटर ये करता है कि आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो। मैटर नहीं करता कि आपको भगवान ने कौन सा रंग देकर के भेजा था या कौन सी त्वचा देकर के भेजी थी। मैटर ये करता है कि आप में आत्मविश्वास कितना है, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी स्किन नरिश कितनी लग रही है, आपके बाल खूबसूरत कितने हैं, और यू नो
सब कुछ अपने कंट्रोल में होता है. तो WWW तीनों चीजें अपने कंट्रोल में लेने के लिए ही हम ये वेडनेसडे सेशंस करते हैं, और आई होप आप इसका पूरा पूरा अपनी टीम के साथ फायदा उठा रहे हैं. तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं. कल एक अनाउंसमेंट है इम्पॉर्टेंट. कल हम TTT नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली हम कल से TTT शुरू करने वाले थे, जिसमें हम अभी तक हमने आपको वेलनेस के 2 pages के साथ TTT कराई थी. अब हम आपको स्किन केयर और मेकअप के यानी ब्यूटी प्रोडक्ट की TTT शुरू कर रहे हैं विद 2 pages. कल से हम वो शुरू करने वाले थे, पर कुछ कारणों से हम उन्हें कल से नहीं शुरू कर पा रहे. हम नेक्स्ट थर्सडे से शुरू करेंगे. तो चलिए 10 महीने के बाद एक ब्रेक तो बनता है. तो कल TTT नहीं है, तो थर्सडे जिनका साईं बाबा का दिन होता है या जिनका जो भी सुबह के वक्त का जो हमारे रीति रिवाजों का दिन होता है, कल वो एक दिन रख लेते हैं और कल हम TTT नहीं कर रहे हैं. पर डेफिनेटली कल शाम को परिवर्तन इवेंट है, गेस्ट मीटिंग है. निशान भार्गवा, कई लोग कहते हैं यंगिस्तान टीम मिलकर के कल एक अच्छा सा परिवर्तन आपके लिए करने वाली है. आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, अपने गेस्ट को इन्वाइट कर सकते हैं कल शाम की इवेंट के लिए. ये कहकर के एक यंगस्टर, सिर्फ 26 साल का लड़का और यंगेस्ट मल्टी मिलेनियर है, मर्सिडीज चलाता है, वॉल्वो कार चलाता है और बहुत पैशनेटली यही सब दूसरों को सिखाता है. और वो अपने 15 बड़े बड़े अचीवर्स के साथ कल सिखाने वाले कि आप भी कैसे ये सफलता पा सकते हो. एक फ्री का सेशन है, जरूर से आ जाइए. ऐसे करके आप अपने लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं कल की मीटिंग में. और परसों जैसा कि मैंने आपको बताया, मेजर सिंह साहब का LDP है, किसी भी हाल में मिस नहीं करना है. जब मेजर साहब प्रेजेंटेशन करते हैं तो मैं बैठ करके देख नहीं पाती हूँ, खड़े होकर के देखना होता है. इतना ज्यादा उनमें जोश है और इतना ज्यादा होश के साथ वो काम करते हैं. तो डेफिनेटली परसों आप LDP को किसी भी हाल में मिस नहीं करिएगा. बाकी जिस तरीके से आप कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, वो करते रहिए. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके रखिए और जीतते चले जाइए. और याद रखिएगा, हमें वो 4 साल की जंप इस साल अपने चेक पर देनी है. सो आर यू रेडी? तैयार हैं? तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए बजाते हुए हम हमारे आज का सेशन का यही एंड करने जा रहे हैं. ऑल द वेरी बेस्ट.